हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी को सख्त आदेश मिला है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए, उनके छात्र हित को देखते हुए दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी कार्यालय को पुनः खोलने का आदेश दिया है दोस्तों। और रुके हुए परिणाम और जितनी भी भर्तियों पे कार्य चल रहा था दोस्तों, उसको वापस से शुरू करने का आदेश दिया है दोस्तों। बहुत सारे भर्तियों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। आज है संडे दोस्तों, कल मंडे से यूपी ट्रिपल एससी कार्यालय अपने काम पर फिर से जुड़ जाएगा। और कुछ जानकारियां मुझे मिली है सूत्रों के मुताबिक, किन भर्तियों के रिगार्डिंग सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपकी भी भर्ती की रिगार्डिंग यहां पर जानकारी लेके आया हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यहां पर हम वीडियो के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई डेट के बारे में बात करेंगे, पीईटी एग्जाम डेट और इसका फॉर्म अप्लाई डेट कब से शुरू हो सकता है ये भी बताएंगे। साथ साथ लोअर पीसीएस मंडी पर्सन और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के रिजल्ट के बारे में भी यहां पर बात करने वाले, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से बेसिक लेवल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने पीईटी एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में नहीं क्रैक किया तो आपके हाथ से दो बहुत बड़ी भर्तियां निकल जाएंगी। पहला है राजेश लेखपाल और दूसरा है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। आप सभी को बताया कि वही बच्चे आवेदन कर पाएंगे जो पीईटी एग्जाम का स्कोर कार्ड बनवा लेंगे, यानी कि स्कोर कार्ड बन जाएगा उनका, उन्हीं के लिए आवेदन शुरू होंगे दोस्तों। तो आप लोगों को अगर लेखपाल भर्ती में आवेदन करना है तो आप लोगों को जी जान लगा के मेहनत करना है दोस्तों। आप लोग घर पे फ्री रहते हैं तो आप लोग ज्यादा ज्यादा पढ़ाई में अपने फोकस करें दोस्तों। यहाँ पर बी टॉपर की तरफ से बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया, जिसकी कीमत भी बहुत कम कीमत रखी गई है, मात्र 99 रुपीज में। यहाँ पर आपको 4000 प्लस क्वेश्चन आंसर पीटी लेवल का डाले गए, पूरा सिलेबस पीटी का कवर किया गया। पीटी का सिलेबस नहीं देखा है तो ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में। हमने क्लास भी स्टार्ट किया था, 2-3 दिन से क्लासेस नहीं हो रही है, लेकिन फिर से पीटी की क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। आप लोग सिलेबस देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे हम पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट है, सोल्यूशन है, 50+ वीडियो क्लासेस है, और सिर्फ पीटी के लिए नहीं है, इसमें आपको राजेश लेखपाल, स्टेनोग्राफर, चकबंदी लेखपाल के भी सिलेबस को कवर किया गया है। हिंदी जीके, ग्राम समाज, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर के भी वीडियो और एक्स्ट्रा नोट डाले गए हैं। 99 रुपीज बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, घर बैठे आप बेसिक लेवल से क्रैश कोर्स का तैयारी कर सकते हैं। लिंक इस क्रैश कोर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जितने भी छात्र इच्छुक हैं बाय करने के लिए वहां से इसको बाय कर सकते हैं। आते हैं खबर पर दोस्तों, जितने भी छात्रों को लेना है क्रैश कोर्स, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से इसको बाय कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक चेक करें दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी कुछ भर्तियों के रिगार्डिंग अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर वीडियो के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही जद्दोजहद के बाद में, कई सारे धरना प्रदर्शन के बाद में यहाँ पर शुरू हुआ था आयोग के द्वारा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते आयोग ने इसको स्थगित कर दिया। अभी जल्दी इसके लिए रिगार्डिंग स्थगित का नोटिस जारी हुआ था। हालांकि बहुत सारे छात्र कॉमेंट कर रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराएगा, क्या फिर 2 साल के लिए फंस जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, 30-30 लोगों को डेली बुलाया जा रहा था और वेरिफिकेशन कराया जा रहा था, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र बचे हुए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कल मंडे से आयोग फिर से खुलेगा और अपने काम पर पूरा लौटेगा, लेकिन कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के वजह से अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। अभी आयोग के अंदर ही काम जो चल रहा है परिणाम को लेकर और नोटिफिकेशन पर काम, यही सारे काम चलेंगे। और जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होता है 14 अप्रैल के बाद में दोस्तों, आपके अप्रैल के एंड तक जहां तक है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से नोटिस आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहें, आपको जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी खबर है दोस्तों पीईटी एग्जाम को लेकर और पीईटी फॉर्म को लेकर। दोस्तों पीईटी का जो फॉर्म है वो आपका मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, पीईटी अप्रैल में ही शुरू होने वाला था, लेकिन आप सभी को पता है कि रीजन क्या है बताने की जरूरत नहीं है। आपका मई के फर्स्ट वीक में आवेदन लिया जाएगा और 1 से 1.5 महीना आपको समय दिया जाएगा आपको एग्जाम कंडक्ट कराने में। आप लोग मेहनत अभी से शुरू कर दे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, जो भी समय आप यूटिलाइज करें अपने पढ़ाई में दोस्तों आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जो मैंने क्रैश कोर्स रेकमेंड किया वो बहुत मददगार साबित होगा आपके पीईटी एग्जाम के साथ साथ राजेश लेखपाल, चकबंदी लेखपाल में। दूसरी खबर है दोस्तों रिजल्ट को लेकर, जो बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि से लोअर पीसीएस मंडी पर्सन और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों बात करते हैं लोअर पीसीएस का रिजल्ट, प्री का जो एग्जाम हुआ था 2019 का वो पूरी तरीके से तैयार है। जहां तक है आपका 2 से 3 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा लोअर पीसीएस का। बात करते हैं मंडी पर्सन में, थोड़ा सा कार्य बाकी रह गया था तो वो आयोग जल्द खुलते ही इस पे कार्य शुरू करेगा। और जहां तक है आपका 10 दिन के अंदर मंडी पर्सन का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यही खबर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट
कंटेंट पे भी है दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़े से काम बचे हुए हैं, लेकिन इस पे अभी काम नहीं किया जाएगा। ये दो परिणाम जैसे ही निकाल दिए जाएंगे उसके बाद इस पे जो बचा हुआ कार्य है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट पे किया जाएगा और इसका भी परिणाम अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। तो और दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कल से आयोग से जो भी खबर मिलेगी हमारे चैनल पे आपको हमेशा की तरह प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो।